बिहार विधान परिषद की पहली पाली की कार्यवाही शुक्रवार को शुरू होते ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस के पाठक के तरफ से सीएम के आदेश के बाद भी नया दिशा निर्देश जारी किए जाने का मामला जमकर उछाला गया। सबसे पहले इस मामले को लेकर जदयू के एमएलसी महेश्वर हजारी ने कहा कि एक ही मुद्दा बार बार सदन में उठ रहा है, इसके बाद भी सरकार उस अधिकारी को लेकर नरम क्यों है। जदयू के एमएलसी महेश्वर हजारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जब से सदन चल रहा है तब से हर रोज एक व्यक्ति पर चर्चा हो रही है। एक व्यक्ति ने पूरे व्यवस्था को खराब करके रख दिया है, इसके बाद भी ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके बाद भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी सदन में ये मामला उठाया कि शिक्षकों को संघ बनाने का मौलिक अधिकार है और हर लोगों को संघ बनाने का अधिकार है, फिर शिक्षकों को कैसे रोका जा रहा है और शिक्षकों पर ऐसी कार्रवाई क्यों किया जा रहा है। उसके बाद अपने ही सरकार के पार्षद के तरफ से उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आपकी बात सही है, इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन एक बात साफ कर दूं कि कोई भी अधिकारी सरकार के अलग जाकर किसी भी तरह का कोई भी आदेश नहीं जारी कर सकता है। मुझे इतना ही कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के आदेश का पालन हर हाल में किया जाएगा। उधर इससे पहले भी विधान परिषद में संजय मयूख ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि एसीएस ने विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सदन पटल पर वीडियो क्लिप वाला पेन ड्राइव रखते हुए इसे सदन में चलाने का मांग भी किया। उनके समर्थन में भाजपा के देवेश कुमार, अनिल शर्मा, संजीव कुमार सिंह और राबड़ी देवी समेत विपक्षी दल के कई सदस्य उतर गए। जाहिर है कि के पाठक को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में लगातार चर्चाएं की जा रही है। विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष के लोग भी के पाठक का विरोध कर रहे हैं और उन पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार उनको लेकर अभी भी नरम बने हुए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि के पाठक एक ईमानदार अधिकारी है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग भी अब नीतीश कुमार का खिलाफत करना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।